ओके, हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 4 हैपेजर्डली बनाया है थोड़ा, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आपकी पढ़ाई कभी करोगे मेरे साथ? राइट, जब मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो नहीं देख रहे हो, तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, याद रखो यही ट्रिक साइकोलॉजी ने यूज़ किया। अच्छे मार्क्स मिले, कोल्ड वॉर पे शॉर्ट नोट लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, न्यूट्रलिज्म पे लिखना है, न्यूट्रलिज्म पे लिखना है आपको। सार्क ऑर्गेनाइजेशन, सार्क में क्या क्या है ये क्वेश्चन? अब मैं जो दे रहा हूँ इसमें से कोई एक मतलब 4-5 क्वेश्चंस आने पक्का है ना, तो ये मान के चलिए। अब हम जाते हैं वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट कहाँ हुआ था, कौन से कंट्री में हुआ था, ये मतलब ज़िंदगी में याद रहेगा और बहुत ईजी है। नाटो तो अभी पता है ना, सुना होगा ना, यूक्रेन में नाटो वाले कैसे धोखा दे रहे यूक्रेन वालों को, बहुत हलात खराब हो जा रहा है। वादा करते हैं और फिर एक कुछ करते ही नहीं, बस खाली हाँ हम सपोर्ट हैं, लेकिन नाटो अच्छे काम शुरू हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कुछ। खैर, यूरोपियन क्रूसेड्स की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। मैंने कल बताया था, तो लोग बोलते हैं पीछे के क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन नहीं है, पीछे के क्वेश्चन और मैंने कुछ बोर्ड पेपर्स दिए हैं। वो पेपर्स कहाँ से मिल गए? मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल पेपर्स मिल जाते हैं, लास्ट ईयर का पैटर्न नहीं है। हाँ, वो मेटलर्जी इन यूरोप, मेटलर्जी यूरोप में क्या है, क्या हाल था उसका, कैसे शुरुआत हुई। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फायदे नुकसान, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस है ना, सीक्वेंस। डिप्राइवेशन क्या होता है, जॉइनिंग क्या होता है, ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन विक्ट्री, ये चारों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी लिखो, या मेरा वीडियो खत्म होते ही और वो ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है आपकी स्क्रीन पे, कल के एग्जाम के लिए ये रही, एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 4 है, हाँ, ये 4 4 4 4। हैदराबाद मर्ज हुआ, जस्टिफिकेशन। पुडुचेरी बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, कैसे बना, यू नो व्हाई नॉट अ स्टेट, क्या हुआ, ऐसी क्या कहानी है कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बन गया। जूनागढ़ संस्थान मर्ज विद इंडिया, सरदार पटेल के बारे में कहते हैं कि सब चीजों में उनका बड़ा अहम हाथ था, आयरन मैन, आयरन फिश की तरह काम किया। ठीक है, कश्मीर डिस्प्यूट टुक एन इंटरनेशनल डायमेंशन, कश्मीर इंटरनेशनल डायमेंशन कैसे हो गया, हमारी लोकल चीज़ आज तक खामियाजा भुगत रहे हम, है ना। पोर्चुगीज वॉर स्ट्रैटेजीज क्या थी, यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिखना है, नहीं ये आज़ाद नहीं आता तो भाई अभी जाके 3-4 पॉइंट्स लिखना, हर एक के बारे में 3-4 पॉइंट्स, क्या हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने बनाया, एम क्या है, आज़ाद हिंद सेना किसने बनाई थी, कब बनाई थी, एम क्या है, 3-4 चीज़ लिखो बस काफ़ी है, एम क्या है ना। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, ठीक है, ये आपको लेना है। पोर्चुगीज ट्रेड इन इंडिया, पोर्चुगीज ट्रेड क्या हो क्या था, कॉम्पोजिट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या असर पड़ा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ साइज, ताकि जो स्टूडेंट्स मोबाइल में देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिख जाए, मेरी कोशिश ये है। इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, कॉम्पोजिट इफेक्ट क्या हुआ था, राइट। पीछे चलते हैं, यहाँ चलते हैं शॉर्ट नोट्स, वापस वही चीज़, मतलब शॉर्ट नोट्स ही लिखना है, ये तो ये चैप्टर ही शॉर्ट नोट्स का है। ये टॉप क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय, बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन ले लिया करो जिसपे पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, यू नो, हाँ, आज़ाद हिंद सेना, आयुष, मतलब लिखने को काम हो, पॉइंट 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 पॉइंट। पोलियो एडुकेशन, मतलब पॉइंट ही नहीं है, लिख दो एक लाइन लिख दो बस हो गई। देखो, राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन लिख सकते हो, पोल्यूशन कौन क्रिएट करता है, कौन से केमिकल्स हैं, SO2, CO2 और पॉल्यूटिंग एजेंट्स ज़्यादा कौन है, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, वॉट वॉट, वो बताना है, बस हो जाता है।
कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन सी कौन सी है, कुछ नाम बताइएगा। एग्जाम्पल सॉरी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ रीजन। तो बी एक आता है, ए आएगा शॉर्ट नोट, बी आएगा रीजन, कारण बताओ, वजह बताइए। टेल मी द रीजन, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है। देखो ये क्वेश्चन आता है तो करो, नहीं आता है नोटबुक आपके हाथ में है, टेक्स्ट बुक आपके हाथ में है, पेन पेंसिल आपके हाथ में है, इसको नोट करिए कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, और जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म हुआ आप उसे पढ़ लीजिए, फिर आराम करिए। और कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट के 2 घंटे पढ़ाई चल रही है, 10 बजे सो जाना है, ठीक है ना, मेरी बात मानोगे तो करोगे, खुश रहो, आबाद रहो। सी एन जी मेड कंपल्सरी इन दिल्ली, भाई यहाँ भी कर दो कंपल्सरी, हर राज्य में कर दो कंपल्सरी, दिल्ली में क्यों है, गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट हर जगह कंपल्सरी कर दे, यहाँ तो हो रहा है बट थोड़ा हर जगह कंपल्सरी रहता तो मज़ा आएगा ना। अच्छा 1990 वॉज डिक्लेयर्ड एज, हाँ बोलो बोलो बोलो, कैन डू नो व्हाट इज इट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 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 ऑफ, टेल मी देखते तो कौन गेस कर पाता है इसको। केरला, पता क्या होता है, वो कहते हैं 100% लिटरेंसी, एक स्टोरी बताता हूँ, 100% नहीं हो पाता बिकॉज कुछ बच्चे पैदा हुए हैं उनको तो आप लिटरेट नहीं कर सकते 1-2 साल तक, कुछ बीमार हैं, कुछ ICU में है, कुछ यू नो ऐसे कई जगह होते हैं, कोई पनडुब्बी में सबरी में नीचे डूबा हुआ है यू नो, तो ऐसे उन तो एक्चुअली कुछ 92% होता है, समझ परसेंटेज होता है जो 80-90 के बीच में होता है उसको मानते हैं 100%, क्योंकि नवजात बच्चे को तो आप नहीं गिन सकते ना, लिटरेसी तो होगा ही नहीं जब तक वो 4-5 साल का नहीं हो जाता है, जूनियर केजी से लीकेजी में रहता है, बट वो 100% आया। कौन सा फर्स्ट था ये डिस्ट्रिक्ट जानते हो, नहीं जानते हो जल्दी देखो, मैं नहीं बताऊँगा, खुद करना है एग्ज़ाम, तो मुझे नहीं मैं हेल्प कर लूँगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये लिस्ट से 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक आएगा, मैं स्पेसिफिक नंबर नहीं कह रहा हूँ लेकिन 50, 60, 70, 80, 90 मैं क्वेश्चन वाइज जा रहा हूँ, पता कौन सा चैनल क्वेश्चन वाइज कर रहा है, ये चैनल कर रहा है क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन वाइज, मानी कर दो, सांस टक गई सूख गई, गला सूख गया। वेरियस चैनल्स फॉर स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन, कौन से चैनल्स, ए यूट्यूब चैनल की बात करें या टीवी चैनल की बात करें, क्या बात करें, सोचो सोचो, एग्जाम में वही लिखना है जो वेरियस स्कीम्स से, भाई ये ऐलान, चार्जर दे दो चार्जर, बैटरी लैपटॉप की कम हो गई है। वेरियस स्कीम्स हैव व्हाट बीन स्टार्टेड टू डू व्हाट टू इंक्रीज नंबर ऑफ टूरिस्ट, हमारा देश में टूरिस्ट बढ़ाने के लिए कौन सा स्कीम चालू किया गया है बताना पड़ेगा आपको, सोचो सोचो आता है, बेसिकली लिख सकते हो बट यू नो स्कीम्स आपको स्पेसिफिकली मेंशन भी करनी पड़ेगी। और ये आ गया हमारे ड्रंकन नहीं है डंकल है, मजाक बना के रखा है तुमने श्रीका, तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें आपको करना पड़ेगा ताकि तुम्हें सजा मिले, डंकन मैं कहता डंके की चोट पर डंकन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंसर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आंसर है, बैटरी कम हो गई चार्जिंग लगाइए। स्पीड पोस्ट, ये तुम्हारे वो कुरियर से सस्ता है ना, स्पीड पोस्ट बता रहा हूँ मैं, चेक कभी जाना पोस्ट ऑफिस पता चलेगा, पोस्टल अकाउंट बेस्ट है यार, मतलब हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम देता है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम क्या बोलो, हाँ और सेफ है। गैट एग्रीमेंट, क्या था भाई गैट एग्रीमेंट, इंडियाज यूथ पॉलिसी, मत कुछ भी मत लिख देना प्लीज, हाँ लिख दो उसमें क्या क्या, बस भारत BSNL क्या है, BSNL क्या है, लिखो लिखो ये सब पॉइंट जरूरी, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ये वीडियो ताकि आपका फाइनल चेक करो, नहीं आता तो यही चीज करके जाना एग्जाम में, खुश रहोगे आबाद रहोगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसने दुनिया हिला दी थी, बड़े बड़े नेता डरते हैं इससे, इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, बहुत ही बड़ी चीज बड़ी खबर थी। रीजन रीजन क्या वजह हो सकती है,
मेट्रो स्टेशन क्यों स्टार्ट किया गया था? ए भाई बताओ क्यों स्टार्ट किया गया था? इंडिया ने लिबरलाइजेशन, लिबरल होना क्यों, मतलब सबके साथ ट्रेड ओपन कर दिया दुनिया भर के साथ, क्यों क्यों वाई? ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन और ये था भाई कि इंडिया इज फिल्ड विद एग्री टूरिज्म, इसके बारे में कुछ राय आप दे रखिए, ये बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, कर लिया आपने। इंडिया हैड टू पार्टिसिपेट इन बोथ द वर्ल्ड वॉर्स, करना पड़ा इंडिया को पार्टिसिपेट। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि फिर एक तो इंग्लैंड ने हमको झकझोर दिया, ढकेल दिया उसमें, और फिर बोलते हैं क्यों विड्रॉ करना पड़ा। लो अजीब बात है, क्या इतिहास है भाई, इतिहास डेंजर है। यूनाइटेड स्टेट ने पहला एटम बम बताया था ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, बताया था ना, वीडियो सुन के ही कुछ ज्ञान मिल जाएगा भाई, 10 नंबर ऐसे ही ले लो, जबकि आज मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ तो इतना सिखा रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर वन क्यों शुरू हुआ, वो राजा ने वो कुछ पता है, वो याद है, याद है कौन सा राजा, डिप्रेशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुआ था। अरे वो पानीपुरी वाला बता रहा था कि यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई ना, 4 दिन तक तो ठीक था, अब तो बोल रहा है बहुत तंगी छाई हुई है मार्केट में, डिप्रेशन हो जाता है भाई, दुनिया गोल है। इंडिया ने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट क्यों किया, क्यों 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 किया, क्यों किया, क्यों किया? वन में झगड़ो दिया था, टू में भी जाना पड़ा, क्यों बताइए, बताइए, बताइए। सवाल के जवाब तो भाई नहीं आता तो झूठ लो। द यूनाइटेड नेशन फेल्स, फेल हो गया यूनाइटेड नेशन, क्यों फेल हो गया? कल तुम पास हो जाओगे अगर ये आंसर दे दिया तो, क्या बचे भाई? हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, क्यों किया बताइए? इन्वेड क्यों किया पोलैंड को, हिटलर को क्या फायदा मिला पोलैंड को इन्वेड करके, क्या मिला, क्या हासिल करने की कोशिश करा था? आज जैसे रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, पता है 20 साल बाद ही क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री के बच्चे पढ़ रहे होंगे तब, आप लोग शायद आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो पापा मतलब बेटा बेटी मैंने भी ये एग्जाम दी थी लेकिन हमारे टेम्परेचर अलग था। द क्रूसेडर्स वेयर, वेयर क्या क्रूसेडर्स, कौन भाई क्रूसेडर, कौन हो तुम? द क्रूसेडर्स वेयर, वेयर वेयर व्हाट वेयर लास्ट वेयर सपोर्टेड बाय द यूरोपियन क्रूसेडर्स को यूरोप व्यापारियों ने, हाँ ये बहुत सच कहानी है, क्यों सपोर्ट किया था भाई, क्या वजह हो सकती है? टेल मी द रीजन, 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 रीजन। नहीं आता लिखो, कल एग्जाम में फाइनल रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग है, इसे नहीं आता अभी लिखो, अभी करो, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने की बेवकूफी ना करें। यात्रीगण के प्यार ध्यान दें, एक ही बार पढ़े, बार बार ना पढ़े, बार बार पढ़ने से आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा और कल कल वो याददाश्त भूल जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा, डिमेंशिया बता रहा हूँ, डिमेंशिया हो जाएगा आपको, बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं, अफ्रीका में क्यों नहीं, एशिया में क्यों नहीं? बोलो जवाब दो, जवाब दो ठाकुर, तुम्हें जवाब देना होगा। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, पता है ना वो मेटलर्जी प्रिंटिंग वो सब कहाँ हुआ था, इज द गिफ्ट ऑफ रिनाइसेंस पीरियड, द बेस्ट पीरियड इन यूरोप। हमारे यहाँ रिनाइसेंस पहले ही हो चुका था भाई, यूरोप वालों का रिनाइसेंस था अभी मेडिवल पीरियड में, हम तो एंशियंट एज में कर चुके हैं रिनाइसेंस। सच बात है, सच है। थोड़ा स्ट्रेचिंग थिंक कर लो, हाँ।
यार थोड़ा बहुत ज़रूरी है, ये सब ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके मैं शोज़ करता हूँ तो वहाँ सिखाता हूँ, तो बड़े बड़े सीईओज़ को कुर्सी से हिला देता हूँ मैं आगे पीछे, ये भले ही ये लगेगा बड़े बियर्ड सा कि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन फिर दिक्कत नहीं आती अगर आप ये टाइम यूज़ हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक, ये देखो ये 90 डिग्रीज वाला, पता है ऐसे ऐसे जाओ, 5 सेकेंड्स काउंट करो, आ जाओ ऐसे जाओ, 5, ये 90 डिग्री यहाँ चला गया, और ये ऐसे दबा दो, ये दबा दो, कुर्सी को इस तरफ टर्न, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट, यस ठीक है ठीक है। चलो ये करना से ये एग्जाम में भी करना चाहिए, मैं इसके शोज करता हूँ। हाँ, पोर्चुगीज वॉर स्ट्रेटजीज क्वेश्चन था, पोर्चुगीज वॉर स्ट्रेटजीज और पोर्चुगीज ट्रेड इन इंडिया, दो क्वेश्चन थे, आ जाएंगे मैं आपको दिखा दूँगा, मुझे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, एग्ज़ाम तुम्हारी याद मैं कर लूँगा, क्या बात है, बार बार वही हिस्ट्री आ रहा है, यूपीएससी की पढ़ाई हो गई भाई आपकी, पढ़ा ध्यान से पढ़ो, मैं आपको यूपीएससी एमपीएससी का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 60 बच्चों में मैं चूज हुआ था महाराष्ट्र में, 60 में 1 तुमको भी करवा दूंगा, ऐसा इसी नाम के इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वहाँ सिलेक्शन करते हैं, 60 बच्चों का मैं हुआ था उसमें से चूज। हाँ हैवी नहीं है भाई, एंजॉय करोगे तो मज़ा आएगा, ज़िंदगी भर के ऐश हो जाएंगे तुम्हारे, करियर काउंसलिंग मैं कर दूंगा तुम्हारी, मैं ही हूँ एक्चुअल करियर काउंसलर, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट यूज़ करता हूँ, बाकी लोग वो ऐप यूज करते हैं वो सब इलीगल है हमारे देश में, कुछ भी चल जाता है, कोई क्वालिफाइड भी नहीं होता और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट की थी काम का नहीं, बेकार सी चीज़ है, मम्मियों को भी बेकूफ बताते हैं उसे, साइंटिफिक टेस्टिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं और आपको आगे क्या करना बता देंगे, कल की एग्जाम बता रहा हूँ, कल हिस्ट्री के एग्जाम में पढ़ाई करनी है। इंडियन रूलर्स हैड टू ऑब्टेन कार्टेज, कार्टेज क्यों ऑब्टेन करना पड़ता था बताइए बताइए बताइए, इंडियन रूलर्स को दिक्कत क्यों आई, तो फाइट द पोर्चुगीज, पोर्चुगीज से लड़ाई करना इंडियंस को क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत हो गई, पता है नहीं पता है, अभी देख लो तो अच्छी तरह से देख लो, मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ आपको ना, एक्सक्यूज मी, देखो मुंबई हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी कंपनी, वो हमारा जगह उनको दे रहे भाड़े पे, भाड़ा वसूल रहे हैं, कौन राजा इंग्लैंड का, चार्ल्स, बोले तो चार्ल्स टू, क्या टाइम पास चला था मालूम है जमाने में, ये पोर्चुगीज ने शिप बिल्डिंग क्यों किया गोवा दीव दमन में, क्यों क्यों क्यों, वाई वाई पूछो क्यों, वाई आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है भाई, ये पोर्चुगीज तुम देखो ना, पोर्चुगीज को मैंने पहले वीडियो में कहा था, पोर्चुगीज तो पक्का मान लो भाई, पोर्चुगीज जज को तो मतलब मैं तो बोल रहा हूँ आने वाला है, मतलब ये हिस्ट्री के टीचर्स को ना मतलब वो ब्रिटिश से पक गए थे, हाँ मतलब जहाँ देखो ब्रिटिश तो कुछ नया मिलता, पोर्चुगीज गोवा फिर डच, तो वो तो मान लो मतलब वो तुमने नहीं किया तो बेवकूफियाँ चल रही हैं बस और कुछ नहीं, पोर्चुगीज जज तो करके जाओ, मतलब मम्मी बोलेगी कल भाई दही चावल खा ले बेटी, तो बेटी क्या करेगी पता है, कल बोलेगी मम्मी रुको मैं पहले पोर्चुगीज और डच करके जाती हूँ, ऐसा करना है यू नो, माइनक्राफ्ट देखना बंद करो बॉयज, पोर्चुगीज डच कर लो, उसके माइनक्राफ्ट में नहीं मिलता पोर्चुगीज डच, कुछ नहीं मिलता है, सच्ची बता रहा हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ, देखो 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 डच, ये गोवा कहाँ, दीव दमन कहाँ, बीच पे सारे अंग्रेज पड़े हुए हैं, ये एग्जैक्टली कैसे पहुँचते थे भाई, बीच पे सारे अंग्रेज हैं, सोचो दुश्मनों के बीच में जा रहे हो, वो टाइम तो गोली मार देते थे सीधा ठाए ठीक, वो फोर्थ वो तो कहते हैं लेके पानी में डूब गया, कैसे करते थे, यार दिमाग होगा ना, ये गोवा दीव दमन, दीव दमन भी पूरा गुजरात का एरिया, पोर्ट व्यापारी आ रहे हैं हजारों सालों से आ रहे हैं, ऐसे नहीं है हमारे गुजराती व्यापारी, बहुत ज़माने से वहाँ पे है, बिगेस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया ऑफ द सी इज एक्चुअली नॉट ए साउथ इंडिया, इट इज़ गुजरात, इट इज़ घूमघाम के पूरा ना, यस मेजर रीजन इन डेवलपमेंट ऑफ गोवा, गोवा के लोग ऐसे बड़े बड़े व्यापारी क्यों होते हैं,
ए बस इतना कर लो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हमारे वालों। क्वेश्चन फोर, और ये पक्का 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 इसमें से ही आएगा, कुछ और क्वेश्चन से मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना कर लो। नहीं किया है तो अभी जाके रीड करो भाई, रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीड नहीं करोगे जो जो रह गया है ना, जल्दी से अच्छा बच्चा बनो। और प्लीज़ 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 कोई कुछ भी कहे, दिमाग कुछ भी कहे, गोली मारो। भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, समझ गए? डोंट बी कल्लू एंड लल्लू, डोंट बी उल्लू, यू हैव टू गेट मार्क्स टुमारो, बी स्मार्ट। जो कहता हूँ वही करो, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, यही क्वेश्चन है आने वाला कल। इतना करोगे 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। रिलैक्स योर ब्रेन, नया नया सिलेबस है, टेंशन बहुत है, लेकिन इतना ही करो, हो जाएगा, हो जाएगा, तुम्हारा काम कल के लिए हो जाएगा। ओके चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करना है, खा पी लो, लेकिन फिर बीच में दूसरा काम करने का। नाइस।